हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने ये शॉट और इसी के साथ साथ ये शॉट ये सारे शॉट सिर्फ और सिर्फ इस माउंट की हेल्प से लिए, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों ये है एक यूनिवर्सल माउंट जिसके ऊपर आप अपना फोन लगा सकते हो, अपना GoPro लगा सकते हो, अपना Insta360 लगा सकते हो या फिर और भी कोई सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके YouTube पे वीडियो बना देगा, YouTube के शॉर्ट्स बना देगा और उसी के साथ साथ बना देगा Instagram की रील, जो कि भाई मैंने बहुत सारी बनाई है। और ये जो है दोस्तों एक कमाल का गैजेट है। ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल माउंट है जो कि आपके बाइक, स्कूटी, जहाज, रॉकेट, हवाई जहाज कहीं पर भी लग जाता है, फर्क नहीं पड़ता फ्लैट सर्फेस हो या फिर हो राउंड बार। तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं एंड दोस्तों सारी क्वेश्चन जो भी आपके पास हैं मैं उसके आंसर करने वाला हूं, क्योंकि इसको दोस्तों मैं जो है पिछले 4 सालों से यूज कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने जो इसका वीडियो डाला था 2.5 साल पहले, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो उन सबके आंसर जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी जो है दोस्तों प्रोडक्ट जो है कमाल की चीज़ है। ये जो है मेरे पास प्लास्टिक वेरियंट है, इसका जो मेटल वेरियंट है वो भी आता है और भी बहुत सारे माउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इतनी इच्छा से जो है इसको जो है खरीद सकते हो अपने हिसाब से, और दोस्तों सभी के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है बहुत ही प्यार से खरीद सकते हो। तो आज बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उससे मिलती है मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ऐसा ही आपको माउंट देखने के लिए मिल जाता है और ये जो चीज है भाई बहुत ही कमाल की है, यूनिवर्सल माउंट है, क्योंकि इसकी आप शेप देखो, ये जो है दोस्तों पूरा ऐसे अपना मुंह खोल लेता है और चाहे फ्लैट सरफेस हो या फिर राउंड बार है उसमें जो है बहुत ही आराम से जो है लग जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है ये टाइट करने के लिए स्क्रू दिख जाता है, तो आप जो है इसको आराम से करके आराम से बहुत टाइट कर सकते हो, और टाइट करने के बाद इसको जो है अच्छे से लॉक कर दो ताकि ये कहीं भी हिलेगा नहीं, स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इसके साइड में जो है इसके होल्ड पर जो है रबर लगा हुआ है, तो आपके हैंडल बार वगैरह पे जो है कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। और इसकी क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी सॉलिड है, तो भाई स्टडी बिल्कुल रहता है, मैं खुद वीडियो इससे ही बनाता हूँ दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों आप इसके ऊपर मोबाइल माउंट लगा सकते हो, उसी के साथ साथ आप GoPro के लिए माउंट लगा सकते हो, Insta360 के लिए माउंट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर फोन माउंट करना है तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ये जो है फोन माउंट है, इसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई इसको जो है बहुत ही आराम से इस पर जो है आपको लगा देना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको लगा देता हूँ, तो ये जो है अच्छे से लगा कर दोस्तों आपको जो है ये है टाइट कर देना, बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा ढीला करना है ताकि मेरा फ़ोन जो है इसके अंदर लग जाए, तो यहाँ से मैं ढीला कर लूँगा और यहाँ से दोस्तों मैं अपना इसका फ़ोन लगा दूँगा, ठीक है, और वापस जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइट। उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये जो है आपकी इंस्टाग्राम की रील बना देगा, यूट्यूब शॉर्ट बना देगा, उसी के साथ साथ यूट्यूब की वीडियो बना देगा, क्योंकि जो है दोस्तों आराम से मूव हो जाता है इधर से उधर, ठीक है, और ये जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। देखो आप इसको जो है आप ऐसे ऐसे करके जो है पूरा जो है 360 घुमा सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों इसको जो है यहाँ से लूज या टाइट कर आप इधर या उधर कर सकते हो, तो आप ऐसे माउंट करके आराम से इंस्टाग्राम की रील बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्यार से जो है हैंडल बार या फिर आपके लेग गार्ड या कहीं पर भी जो आप माउंट करके आराम से जो है व्हील वगैरह बना सकते हो, और ये जो है बहुत ही आराम से इधर उधर मूव हो जाता है। उसी के साथ जैसे कि मैंने बताया ये 360 जो है पूरा घूम भी जाता है, तो आप इसको ऐसे आराम से घुमा भी सकते हो, ठीक है। ये तो रही फोन की बात, अगर आपको इसको GoPro लगाना है तो GoPro भी लगा के दिखाते हैं इसके ऊपर। तो जो है मेरे को बस ये जो है अनमाउंट कर लेना है, ठीक है, फोन का पूरा निकाल देता हूँ सिस्टम, तो ये जो है बहुत ही आराम से निकल गया है। ये दोस्तों GoPro माउंट, ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम इस पर लगा देते हैं, और इसी माउंट पे दोस्तों आपका जो है Insta360 भी देखने के लिए लग जाता है। आपको आराम से इसको खोलो, ठीक है, जो है लगाकर बहुत ही आराम से जो है बस ऐसे करके इसको जो है टाइट कर देना, ओके, दैट्स इट। और दोस्तों ये जो है मेरा GoPro भी जो है आराम से माउंट हो गया है, और इस पर जो है मैं अपना Insta360 भी जो है आराम से लगा सकता हूँ। और जैसे मैंने बताया यहाँ से जो है ये खुलता है या टाइट होता है दोस्तों, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सरफेस के हिसाब से जो है इसको लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल दोस्तों जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आपको इसी माउंट से देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, और स्टेबिलिटी वगैरह आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया है। मैं इस माउंट को दोस्तों काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे। मेरी लद्दाख सीरीज, मेरी मनाली सीरीज, रोहतांग पास वगैरह जितना भी मैंने ट्रैवल करा है भाई, इस माउंट के साथ ना हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो ऑफकोर्स अच्छी चीज़ ये है कि भाई GoPro माउंट हो जाता है, 360 माउंट हो जाता है, उसी के साथ साथ मोबाइल माउंट हो जाता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आईफोन 15 से, ठीक है दोस्तों, और पहले मेरे पास जो था आईफोन 12 था, और उससे मैंने 2 साल यूज़ करा,
बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई कैमरा वगैरह खराब तो नहीं हो जाएगा यार, देखो मेरा तो नहीं हुआ है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रोडक्ट जो है काफी कमाल का है। उसी के साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये जो है प्लास्टिक वेरिएंट है। जिस भाई को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी भाई प्लास्टिक जो है ज्यादा सही नहीं होगा, तो मेटल वेरिएंट भी इसका खरीद सकता है। उसी के साथ साथ और भी जो माउंट आते हैं वो भी खरीद सकते हो आप। लिंक जो है आपको सबका डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों अपने हिसाब से जो है माउंट करके इधर उधर करके आप इंस्टाग्राम की रील बना सकते हो, यूट्यूब की वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, अपने हिसाब से जो है बहुत सारे काम जो है आ सकते हैं। बहुत सारे भाई मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जब मैं हेलमेट के राइड रिव्यू करता हूँ भाई आप कैसे माउंट करते हो। भाई इससे ही माउंट करता हूँ, ठीक है। ये जो है हैंडल पे लग जाता है, उसके ऊपर जो है मेरा फोन लग जाता है जैसे कि मैंने अभी दिखाया। उससे जो है मेरे हेलमेट के राइड रिव्यू बनते हैं, जितने भी मैंने राइड रिव्यूज करे हैं वो इससे ही बनते हैं। तो ये जो चीज़ है भाई बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो ये जो है हमने कैमरा फाइनली वर्टिकली माउंट कर दिया अपनी इंस्टाग्राम की रील के लिए, और ये जो मैंने अभी है लेग गार्ड पे लगाया हुआ है, और देख सकते हो भाई बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा है, ठीक है। आई विश आई कुड शो यू, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हो मैं अभी अपने गोप्रो से आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि भाई शेक कितना कर रहा है ये। तो बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा दोस्तों, और बहुत ही स्टेबल तरीके से जो है ये है, और बाइक की स्पीड भी अभी 50-60 है, आराम से बढ़िया से चल रही है, और ये मुझे रिकॉर्ड भी कर रहा है, और मैं भी जो है बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और भैया बहुत ही बढ़िया है, गोप्रो भी माउंट हो जाता है, फ़ोन भी माउंट हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी सही हो जाती है दोस्तों। इसको बंद कर देता हूँ मैं। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे भाई पूछते हैं कि इसको अगर हम वीडियो बनाएंगे तो भाई क्या हमारी फुटेज जो है शेकी होगी। तो भाई मेरी जो फुटेज देखते हो आप वो सिर्फ फोन से ही रिकॉर्ड होती है, कोई उसके अंदर जो है स्टेबलाइजेशन इफेक्ट नहीं होता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप बाइक पर शॉट वगैरह बनाना चाहते हैं फोन से, तो मेक श्योर आपके फोन में जो है थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके फोन में स्टेबलाइजेशन ही नहीं है तो भाई आप 1 करोड़ रुपए का भी माउंट लगा लोगे वो भी जो है दोस्तों आपको शेकी फुटेज ही देखा। तो फोन के अंदर जो है स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। आप फोन को चेक कर सकते हो, आप लेके जो है बिल्कुल चल सकते हो, ठीक है, और रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर वो चलने पर भी शेक करता है तो इट मींस आपके फोन में स्टेबलाइजेशन नहीं है। उसके बाद जो है कोई सा भी माउंट लगाओगे शेकी फुटेज ही आएगी। और अगर आपके फोन में स्टेबलाइजेशन है थोड़ी बहुत भी, जो कि आज के 90% फोन्स में जो है होती ही होती है, तो भाई आपके जो वीडियोस हैं कमाल के होने वाले हैं और बहुत अच्छा जो है आप कंटेंट बना सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि भाई क्या इससे हमारा फोन का कैमरा खराब हो जाएगा, क्योंकि यार ये जो है थोड़ा बहुत शेक करेगा, तो क्या इससे हमारा फोन का कैमरा खराब हो जाएगा? तो भाई इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जो है 2 साल तक इसके ऊपर आईफोन 12 जो है यूज करता था, ठीक है। तो 2 साल में उसको कुछ नहीं हुआ। अब पिछले 1 साल से जो है मैं आईफोन 15 जो है यूज कर रहा हूँ दोस्तों, तो अभी तक जो है इसके कैमरे पर भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई इससे ऐसा कोई इंपैक्ट आता है। बहुत ही आराम से जो आपके वीडियोस बन जाते हैं और जो प्रोडक्ट जो है काफी कमाल का है। तो अपने हिसाब से जो है अब इसको माउंट कर सकते हो। मैंने जो है अलग अलग जगह पर जो है माउंट करके देखा है, इसको बहुत ही आराम से जो है फिट हो जाता है। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई स्प्लेंडर पे लग जाएगा, बुलेट पे लग जाएगा, जीटी पे लग जाएगा। भाई हर जगह लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है। अगर ये सिर्फ पूरा राउंड होता ना दोस्तों तो शायद ये बहुत जगह नहीं लगता, लेकिन जो इसकी शेप है, ये पूरा जो मुंह है इसका खुल जाता है, तो ये जो है कहीं भी माउंट हो जाता है। और अगेन जैसे कि मैंने बताया, इसका जो है मेटल वेरिएंट भी आता है, और अगर स्पेन करोगे तो इसका जो है और वेरिएंट भी आते हैं, वो भी आप जो है खरीद सकते हो। मेरे पास फिलहाल ये है, और ये भी जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरे जितने भी फुटेज हैं आपको इससे ही देखने के लिए मिलते हैं। बाकी खरीदना चाहते हो लिंक जो है अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हो। और ये था एक वीडियो इस यूनिवर्सल माउंट के बारे में। आई होप ये जो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।